गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की एक न्यू पोएम स्टार्ट कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ द पोएम इज द बॉल पोएम विच इज रिटन बाय जॉहन बैरीमैन। ओके, पोएम का नाम है द बॉल पोएम। लिखा किसने है? जॉहन बैरीमैन ने लिखा है। मैं यहाँ पर पोएट का नाम भी मेंशन कर देती हूँ। और अगर आप टाइटल को डिस्कस करें, टाइटल के बारे में अगर हम देखें तो हमें इतना टाइटल को पढ़कर समझ में आता है कि इस पोएम के अंदर किसी बॉल के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो जो कंप्लीट पोएम होगी वो जो रिवॉल्व करेगी वो मेनली बॉल के अराउंड ही रिवॉल्व करेगी। इज इट क्लियर? अब इस पोएम की जो मेन जो थीम रहेगी या जो मेन इसका जो आइडिया रहेगा वो यही आइडिया है। एक्चुअल में इसमें होता क्या है इस पोएम के अंदर कि एक छोटे से बच्चे की बात की जाएगी, एक चाइल्ड की बात हो करेंगे और चाइल्ड के थ्रू ये मैसेज दिया जाएगा कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ना हमें किसी पर्टिकुलर थिंग की इम्पोर्टेंस को समझना भी चाहिए कि अगर कोई लाइफ में वो पर्टिकुलर थिंग अगर से वो लॉस्ट हो गई है, गुम हो गई है, तो इट डजेंट मीन दैट इफ वी हैव अ सफिशेंट अमाउंट ऑफ मनी दैट मीन्स वी कैन बाय ईच एंड एवरी थिंग वट वी हैव वॉन्ट। भी इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मुझसे कोई चीज गुम हो गई है या किसी पर्सन से कोई चीज गुम हो गई है और उसके पास बहुत पैसा है तो वो अपनी इच्छा के अनुसार वो उस चीज को दोबारा परचेज कर सकता है। नो, इट डजेंट मीन लाइक दिस। एक्चुअल में जो मेन मैसेज जो जॉन बैरीमैन देना चाह रहे हैं वो यही देना चाह रहे हैं कि हर चीज से रिलेटेड किसी पर्सन की कोई ना कोई मेमोरीज जुड़ी होती है। अगर कोई पर्टिकुलर थिंग लाइक बॉल जो है, अगर किसी बच्चे की बॉल गुम हो गई है तो वो सेम बॉल वो ला सकते हैं उसके पेरेंट्स। बट फिर भी यहाँ पर दो मेन क्राइटेरिया आते हैं, वो क्या? एक तो ये बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो चीज़ों को संभालना सीखे, पहली बात। और सेकंड एस्पेक्ट इसके अंदर ये भी आता है कि जो यादें हमारी किसी चीज़ के साथ जुड़ी होती है, किसी टॉयज के साथ जुड़ी होती है, कि ज़रूरी नहीं है कि वही सेम मेमोरीज हमारी हर टॉय के साथ अटैच हो या जुड़ी हो। ओके, तो जो जॉन बैरीमैन ने हमें मैसेज दिया है हम रीडर्स को, वो यही कहना चाहा है कि जो कंप्लीट वर्ल्ड जो है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, बट इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी ना हर पर्सन को अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, किसी चीज को संभालने का उसे टैलेंट जो है उसे आना चाहिए कि कैसे किसी चीज को संभालनी चाहिए। सेकेंडली एस्पेक्ट ये है कि अगर कोई पर्सन जो है जो चीज उससे लॉस्ट हो गई है, गुम हो गई है, अगर उस पर्सन में इतना है टैलेंट है या स्टैमिना है कि वो सेम चीज वो बाय कर सकता है, परचेज कर सकता है या खरीद सकता है, तो फिर भी कुछ पर्टिकुलर मेमोरीज होती हैं जो उसी टॉय से या उसी बॉल से रिलेट हुई होती है, जुड़ी होती है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि अगर वैसे ही बॉल मैं कोई पर्सन ले आता है या कोई और टॉय ले आता है तो ज़रूरी नहीं है कि वही मेमोरीज या वही यादें या वही हमारे जो हैप्पीनेस वाले जो डेज है वो हमें दोबारा मिल जाए जो हमारे पर्टिकुलर थिंग के साथ पहले हमारे जुड़े हुए थे। ओके, तो हम यही पोएम अब लाइन टू लाइन मैं अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूंगी। इस पोएम के अंदर आप स्टार्टिंग में देख भी सकते हैं, यहाँ पर आया भी है, अ बॉय लॉसेस अ बॉल। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि इस पोएम के अंदर हम दो जो है वो मेनली हाईलाइट होंगे, एक तो क्या होगा बॉल और सेकेंड जो आएगा अ बॉय। ओके, तो अ बॉय लॉसेज अ बॉल, एक लड़का जो है उसने अपनी बॉल जो है गवा दी है, ही इज वेरी अपसेट, वह बहुत ही अपसेट है। अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि उस बॉल की ज्यादा कीमत होगी, नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ना ही ये मुश्किल है कि हम और बॉल नहीं खरीद सकते। हाँ, खरीद सकता है वो बच्चा, बड़ी ही आसानी से दूसरी बॉल भी खरीद सकता है।
Why then is the boy so upset? अगर वो बच्चा दूसरी बॉल खरीद सकता है तो फिर भी वो इतना अपसेट क्यों है? अपसेट सिर्फ इसीलिए ही है कि मैंने अभी बताया कि किसी टॉय से या किसी चीज से, हमारी खेलने वाले किसी इक्विपमेंट से हमारी यादें जुड़ी होती है, हमारी मेमोरीज जुड़ी होती है, और इसी कारण से वो बच्चा भी अपसेट था। नो डाउट वो बच्चा खरीद सकता था और बॉल, नो डाउट उसके पेरेंट्स उसको अफोर्ड करवा देते दूसरी बॉल, बट स्टिल वो जो बॉय जो था वो अभी भी बहुत अपसेट था। ओके, तो इसी के रिगार्डिंग हम ये पोएम रीड कर रहे हैं। यस, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द बॉय नाउ? कैसा है अब वो लड़का? नाउ का मतलब होता है अब। कौन सा लड़का? हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, वो लड़का जिसने अपनी बॉल गवा दी है। व्हाट इज ही टू डू, अब वह क्या करता है, क्या करेगा? I saw it go. अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो I यूज हुआ है, इट इज यूज फॉर अ पोएट। इट मीन्स क्या है, पोएट जो है कंटिन्यूसली वॉच कर रहा है चाइल्ड के एक्सप्रेशन को। ओके, तो जो जॉन बैरीमैन है वो भी उसी जगह पर प्रेजेंट है जहाँ पर वो बच्चा रुका हुआ है, ठहरा हुआ है। तो I इज यूज फॉर अ पोएट, जॉन बैरीमैन। I saw it. It is used for a ball. मैंने देखा बॉल को जाते, यहाँ पे पोएट कहते हैं मैंने देखा बॉल को जाते। Go merrily bouncing. Merrily होता है खुशी से, bouncing का मतलब होता है जैसे बॉल जोर से जंप लेती है, बाउंस लेती है, छलांग एक तरह से, वैसे ही वो बॉल जो है merrily bounce कर रही है। तो यहाँ पर एक तरह से बहुत अच्छी poetic device भी यूज हुई है। एक inanimate ऑब्जेक्ट है बॉल। ओके, तो बॉल इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होते हुए उसको एक एनिमेट मतलब ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी दे दी, खुशी की क्वालिटी जो कि ह्यूमन बीइंग्स में होती है, और वही सेम क्वालिटी किसको सिग्निफाई कर दी है, बॉल के लिए। तो बॉल अब कैसे क्या कर रही है, मैरिली बाउंसिंग और उछलते हुए खुशी से डाउन द स्ट्रीट, कहाँ कहाँ जा रही है, स्ट्रीट में गली की तरफ, एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वॉटर, और खुशी खुशी से का किस तरफ चली गई है, पानी में चली गई है। इट मीन्स उस बच्चे की वो बॉल जो है गुम हो गई है, लॉस्ट हो गई है। हाउ इज इट, क्योंकि उसकी बॉल जो है अब पानी में चली गई है। नेक्स्ट फोर लाइन्स में आ रहा है। आई होप आपको ये फोर लाइन्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जो फर्स्ट फोर लाइन्स है उसमें यही बताया गया है कि अब वो बच्चा क्या करेगा, कौन सा बच्चा, वही बच्चा जिसने अपनी बॉल गवा दी है। नेक्स्ट फिर लाइन में आता है, पोएट कहता है कि मैंने देखा कि जो बॉल है मैरिली बड़ी ही खुशी से बाउंस करते हुए डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर जा रही है। कभी तो वो डाउन द स्ट्रीट गली के नीचे से, गली के पास से, गली में से जाती है, और फिर देन मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वॉटर, और फिर उसने पहले तो वो फिर उसने ऊपर की तरफ वो आई और इमिडिएटली ऊपर की तरफ आकर उसने पानी में वो बॉल चली गई। नो यूज टू से, कोई फायदा नहीं है, कोई यूज नहीं है, कोई वर्थ नहीं है कहने की क्या, ओ देर आर अदर बॉल्स की, और बॉल्स भी हैं। कहते कोई यूज नहीं है, कोई वर्थ नहीं है, इस चीज का कोई बेनिफिट नहीं है कि ये कहा जाए कि और भी बॉल्स हैं। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, अब यहाँ पर इस लाइन को समझना। एंड अल्टीमेट, अल्टीमेट का मतलब इधर क्या है, शेकिंग ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, शेकिंग का मतलब ऐसा दुख जिसने उसको, जिससे उसमें कंपकंपी आ गई है, शिवरिंग होने लगी है उस बच्चे में, वो डर से एक तरह से सहम सा गया है, और कैसा दुख है। एंड अल्टीमेट, अल्टीमेट का मतलब जिसकी कोई जो कौन सी मैक्सिमम लिमिट में उसका दुख नजर आ रहा है। अल्टीमेट का मतलब क्या है, मैक्सिमम, मैक्सिमम लिमिट में जो है ना वो दुख को प्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पर। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, और ऐसा अल्टीमेट शेकिंग गिफ्ट है, सॉरी दुख है, ग्रीफ है, जिसने फिक्स कर दिया है, फिक्सेस द बॉय, उस बॉय को भी ना एक तरह से रिजिड बना दिया है, वो थम ही गया है वो बच्चा वहां पर,
फिक्स हो गया है, रुक गया है, जैसे ही उसने देखा कि उसकी बॉल जो है अब पानी में चली गई है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, अब वो ऐसे खड़ा है अपने आप, स्टैंड्स रिजिड, जैसे कोई एकदम से, हम छोटे बच्चे गेम्स खेलते हैं स्टैचू की, स्टैचू कर देते हैं किसी को भी, इन द सेम वे ये भी एकदम से रिजिड हो गया है, एकदम मतलब विदाउट एनी मूवमेंट वो बिल्कुल ही स्टिल हो चुका है बच्चा, बिल्कुल स्टिल। ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग होता है कांपना, शिवरिंग होना, अगेन ट्रेम्बलिंग का मतलब है कांपना। स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज, स्टेरिंग का मतलब होता है देखना, महसूस करना, स्टेरिंग का मतलब होता है गेजिंग, देखना, घूर कर देखना, इस तरीके से कहा जाता है। क्या देख रहा है बच्चा ध्यान से, ऑल हिज यंग डेज, अब इस लाइन को भी ध्यान से देखना, ऑल हिज यंग डेज, अपने वो सारे यंग डेज को वो याद करता है जो उसने बिताए थे उस बॉल के साथ खेलते हुए, कहाँ पर, इनटू द हार्बर। अब हार्बर का मतलब क्या होता है, पानी के पास जब शिप आकर रुक जाती है किसी सी या ओशन में, तो उसे ही हार्बर कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, हार्बर का मतलब क्या है कि जहां पर ओशन में जो जितनी भी शिप्स है, शिप जो है, शिप का आकर जिस पर्टिकुलर प्लेस में आकर रुकना होता है उसको बंदरगाह, एक तरह से हार्बर को कहा जाता है, बंदरगाह जिस जगह पर आकर जहाज रुकते हैं उसको कहा जाता है हार्बर। तो जब ये लाइन आई, ऑल इज यंग डेज, ऑल इज यंग डेज का मतलब ये है कि उस बच्चे ने अपने चाइल्डहुड के बहुत सा टाइम जो है उसके पास, हार्बर के पास बिताया था उस बॉल के साथ खेलते हुए। ओके, वेयर और वेयर हिज बॉल वेंट, और उस हार्बर में ही, उस पानी में ही उसकी बॉल चली गई है, वेंट का मतलब चली गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, यहां पर आई जो है फिर से पोएट के लिए है, पोएट ही कहता है, पोएट कहता है मैं इस बात में कोई भी दखल नहीं दूंगा, इंटरफेयर नहीं करूंगा, उस लड़के को मैं रोकूंगा नहीं। इंट्रूड का मतलब होता है इंटरफेयर करना, दखल अंदाजी करना। तो कहा जाता है कि अब वो कहते हैं कि वो बच्चे, पोएट कहते हैं कि मैं उस बच्चे को किसी भी मतलब बिल्कुल भी रोकूंगा नहीं उसको, मैं बच्चे को। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस कहते, और डाइम का मतलब होता है एक करेंसी के लिए यूज किया गया है, एक्चुअल में यूएसए की करेंसी के लिए है डाइम, जो 10 सेंट इज इक्वल टू डाइम। ओके, 10 सेंट जो होते हैं वो एक डाइम के इक्वल होता है। तो यही चीज बोली गई है कि अगर डाइम दे भी दिया जाए और अनदर बॉल और दूसरी बॉल ले लेकर भी आई जाए, इज वर्थलेस, तो इसका कोई फायदा नहीं है, ये बेकार है। क्यों? नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेकार किस कारण से है, क्योंकि अब उस बच्चे को समझना चाहिए, सेंसेस का मतलब समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए अपनी पहली जिम्मेदारी को, अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को। स्टूडेंट्स, मैंने वेरी फर्स्ट आपको ये बताया था कि जो जॉन बैरीमैन हम रीडर्स को मैसेज देना चाह रहे हैं, वो यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत सी चीज है जो हम बाय कर सकते हैं अगर हम बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट ये मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसी पर्सन का ये फर्स्ट उसके लिए डिग्निटी बन जाती है, उसकी मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि उसको उस पर किसी भी चीज को टेक केयर करना चाहिए, संभालना चाहिए। एंड ओनली फॉर दिस वन पर्सन पर्पस जॉन बैरीमैन वॉन्ट्स टू से दैट, मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी पेरेंट्स जो है किसी भी बच्चे को बड़ी आसानी से वो चीज प्रोवाइड कर दे अगर किसी बच्चे ने कोई भी चीज गुम कर दी है। रादर उस बच्चे को समझना चाहिए कि उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस चीज को वो संभाल कर रखे और टेक केयर करे। ओके, सो नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसको समझना चाहिए अपनी पहली जिम्मेदारी को। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशन का मतलब है इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, ऐसा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जहां पे बहुत सी हमें मटेरियलिस्टिक थिंग्स मिलेंगी। मटेरियलिस्टिक थिंग्स आज के टाइम में क्या है, किसी भी यंग चाइल्ड के अकॉर्डिंग मोबाइल हो गया,
टैब हो क्या, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, बाइक, स्कूटी, वट एवर जो बच्चे जो है अपने कंफर्ट जोन के लिए चाहते हैं। इन द सेम वे अगर कोई पेरेंट्स उन सब बच्चों को ये चीज़ें प्रोवाइड करवा भी देते हैं तो उन स्टूडेंट्स उन चाइल्ड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन चीज़ों को वो संभाल कर रखें। पीपल विल टेक बॉल्स, अब वही बात बोली गई है, लोग बॉल्स ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और बॉल जो है हमेशा गुम होगी ही होगी। मीन्स अगर मैं कोई चीज़ लेती हूँ तो हो सकता है कि वो चीज़ कभी ना कभी ख़राब भी होगी, बट मैटर क्या करता है कि मैंने उस चीज़ का टेक केयर कैसे किया, मैंने उस चीज़ को किस तरीके से मैनेज करके अपने पास रखा। तो दैट मीन्स पीपल जितने भी लोग है दे कैन ईजिली बाई थिंग्स वट दे वॉन्ट, बट इट इज ऑल्सो ट्रू फैक्ट दैट द थिंग्स विल बी लॉस्ट और विल बी डैमेज सम डे और सम ईयर। लिटिल बॉय, छोटे से बच्चे को ये मैसेज दिया जा रहा है, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, पर फिर भी कोई बॉल खरीद कर वापिस नहीं ला के देगा। मनी इज एक्सटर्नल, क्यों? क्योंकि जो पैसा है, मनी जो है वो तो एक जरिया है, बाहरी रूप है। मनी इज एक्सटर्नल का मतलब क्या है, इस लाइन को भी स्टूडेंट्स आप ध्यान से समझिएगा। मनी इज एक्सटर्नल, यहाँ पे बहुत डीप मीनिंग है जो पोएट बताना चाह रहे हैं। पोएट ये कहना चाहते हैं कि हम अगर कोई भी चीज खरीदते हैं तो जस्ट मनी जो है वो एक मीडियोकर है, इट इज जस्ट अ मीडियोकर कह सकती हूँ, या मीडियम है जिसके थ्रू हम अपनी विशेस कंप्लीट करते हैं, बट एक्चुअल जो हमारी सेटिस्फेक्शन है इट कैन नॉट बी फुलफिल ओनली जस्ट थ्रू अ मनी। पैसे से सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलती, पैसे से रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी समझ में नहीं आती। सो मनी इज जस्ट अ मीडियम, इट्स ओनली अ एक्सटर्नल, इट्स नॉट गिविंग अ लेसन हाउ टू लिव अ पर्टिकुलर लाइफ, हाउ टू लिव अ परफेक्ट लाइफ। पैसा हमें नहीं सिखाता कि कैसे हमें परफेक्ट जिंदगी जीनी चाहिए, बल्कि ये तो हमारा जरूरत पूरी करने का एक जरिया है, बट मनी से हमें कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट लाइन है, ही इज लर्निंग, वो तो सीखेगा बच्चा, कोई भी बच्चा है इस सिचुएशन से सीखेगा अगर उसकी बॉल गुम हो जाती है कि मुझे कैसे उस बॉल को संभालना चाहिए था। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, और पता भी लगेगा कि वो कैसे सीख रहा है क्योंकि उसकी आइज, हिज डेस्परेट आइज, डेस्परेट आइज का मतलब ये है कि उसकी आंखों से वो सैडनेस, वो उदासी, वो लोनलीनेस, वो मिसिंग, मतलब किसी चीज को मिस करने की जो फीलिंग है वो उसके चेहरे पर उसकी आंखों से साफ दिखाई दे रही थी। तो दैट मीन्स क्या है, ही इज लर्निंग अ लेसन ऑफ लाइफ ऑल्सो, ही इज लर्निंग हाउ टू टेक केयर ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग्स ऑल्सो। ओके, और क्या सीखेगा वो बच्चा, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज। ओके, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है, नॉलेज। तो बच्चा क्या सीखेगा, नॉलेज ऑफ लॉस, कि कोई चीज़ अगर गुम हो जाती है तो उसकी अहमियत क्या है। कोई चीज़ जब गुम होती है तभी कोई पर्सन उसकी अहमियत को समझता है, उसकी इम्पोर्टेंस को समझता है। हाउ टू स्टैंड अप, और वो बच्चा ये भी सीखेगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा जो लास्ट फोर लाइन्स है ना, लास्ट फोर लाइन्स में कंपाइल किया गया है पोएम को किस तरीके से, वो ये कहा गया ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। क्या क्या सीख रहा है, नॉलेज ऑफ लॉस, लॉस के की नॉलेज को समझ पा रहा है, उसकी इम्पोर्टेंस को समझ पा रहा है। और क्या सीख रहा है, हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे उसको गिरकर खड़ा होना है, कैसे उस जो उसकी चीज गुम हो गई है, मिस हो गई है, उस चीज को भूल कर उसको आगे बढ़ना है। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, वो सब कुछ वो बच्चा सीखेगा जो हर इंसान जो है एक ना एक दिन सीखते हैं। एवरी मैन का मतलब हर इंसान, मस्ट वन डे नो, हर इंसान एक ना एक दिन पक्का सीखता है, जानता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और कई लोग तो ऐसे हैं जो बहुत दिन लगा देते हैं इसी लॉस ऑफ नॉलेज ऑफ लॉस को समझने में, या क्या समझने में,
कि हाउ टू स्टैंड अप इन वर्स्ट डेज, कि कैसे मुझे बुरे से बुरे दिनों में भी या मुसीबत वाले दिनों में कैसे मुझे फिर से खड़ा होना है, कैसे मुझे यहाँ पर ब्रेवली एक्ट करना है या ब्रेव फ्रंट अपना सामने लेकर आना है कि और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है. ओके इस तरीके से ये आपकी पोयम फिनिश हो रही है. पोयम काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छा मैसेज हमें मिला है. हम सब पर ह्यूमन बीइंग्स को सिखाया जा रहा है कि कैसे हमें किसी चीज़ को संभाल के रखना चाहिए, कैसे किसी पर्टिकुलर थिंग्स की इम्पोर्टेंस होती है. ठीक है कि कोई भी पर्सन मनी के थ्रू जो है उस पर्सन को किसी चीज़ को दोबारा से खरीद सकता है, बाय कर सकता है, बट फिर भी कोई पर्टिकुलर मेमोरीज किसी ना किसी पर्टिकुलर थिंग से हमारी जुड़ जाती है जो दोबारा लाई हुई चीज़ से हमें नहीं मिलती है. तो दैट मीन्स ईच एंड एवरी थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्सन्स लाइफ. ओके तो इस तरीके से आपकी ये पोएम फिनिश होती है. आई होप आप सब स्टूडेंट्स को ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी. फिर भी आपकी कोई क्वेरीज रहती है तो आप प्लीज अपनी क्वेरीज के लिए अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट्स. ओके थैंक यू, थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स.